मंडी पुलिस द्वारा एसपी मंडी मोहित चावला की अध्यक्षता में वार्षिक क्राइम एवं जेसीसी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पुलिस कर्मियों की समस्याओं पर विचार विमर्श तो किया ही गया पर साथ ही पिछले साल जिले में हुए आपराधिक ग्राफ पर चर्चा भी की गई। मीटिंग की जानकारी देते हुए एसपी मंडी मोहित चावला ने कहा कि पिछले साल जिले में 12 से 13% क्राइम रेट में वृद्धि देखी गई है और इसका सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन मुक्ति का होना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुक्ति के बाद काफ़ी सारे एनडीपीएस के मामले पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस का यह प्रयास रहेगा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आज डिस्ट्रिक्ट मंडी में मंडी पुलिस की एनुअल क्राइम मीटिंग जो जनवरी की फर्स्ट मंथ में होती है वो डिस्कस की गई और उसमें तमाम SHOs, चौकी इंचार्जेस, ब्रांचेस इंचार्जेस और SOs मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले साल में क्राइम की क्या गतिविधि रही है, क्या डायरेक्शन रही है, किस प्रकार का क्राइम रहा है और आगे क्या पुलिस की प्लान और स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इसके बारे में काफ़ी डायरेक्शन उन्हें दी गई है। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 12 से 13% क्राइम में बढ़ोतरी है, जिसमें एक हेल्दी निशान ये है कि जो भी क्राइम में बढ़ोतरी वो डिटेक्शन ग्रुप में हुआ है, खासकर NDPS एक्साइज ऑपरेशन मुक्ति जो पुलिस का मंडी पुलिस का एक अभियान है यहाँ के यूथ को नशा मुक्ति से मुक्त करवाने के लिए, इसमें क्राइम में रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई है। अब आगे क्या प्लान रहेगा, कैसे कम्युनिटी को लाइजन थाना लेवल पे किया जाएगा, पुलिस में डिटेक्शन वर्क में क्या किया जाएगा, एक्साइज में क्या किया जाएगा, NDPS केसेस में क्या इनको आगे कार्रवाई करनी है, उसके बारे में तमाम डिस्कशन की गई। इस साल पुलिस की प्रायोरिटी रहेगी रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना और जैसे कि मैंने लास्ट क्राइम मीटिंग में बताया था एक कम्युनिटी आई कैमरा करके ताकि हम अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट को CCTV कैमरा एक प्लेटफॉर्म और एक कवरेज कर पाएँ, पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का हमारा अभियान रहेगा। अगेन इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं कि कम्युनिटी के और जो भी सिटीजन्स आते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे सिटीजन्स की प्रॉब्लम सुने और कोशिश की जाएगी कि हमारा जो टेक्निकल सेल है इसको और हाईटेक बनाया जा सके। इस बारी हम इस 2015 में एक हमारा प्लान जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्लान है महिला थाना खोलने का, उसके बारे में उसका रूपरेखा के बारे में डिस्कशन की गई और हमारा जो कंट्रोल रूम हमें 24 आवर पुलिस कॉल सेंटर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करना है उसके बारे में भी हमने रूपरेखा डिस्कस की और लोगों से यही है जब भी उनकी कोई शिकायत है वो 100 नंबर पर तमाम SHOs को बता सकते हैं। अगर कहीं उन्हें लगे कि शिकायत की सुनवाई नहीं है तो हमारे DSP साहिबान, हमारे DSP, एडिशनल SP एवं मुझे कभी भी संपर्क।